आप देख रहे हैं साधना और समाधान। अगर आप भी अपने दुश्मन अपने शत्रु से आप परेशान हो चुके हैं तब आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो जब ये अग्नि वाला ऐसा टोटका है, जब आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे, इसका जप और जोप करेंगे तो तुरंत ही आपके दुश्मन की बर्बादी, आपके दुश्मन की तबाही तुरंत ही शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने दुश्मन को बर्बाद करना चाहते हैं तो इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो इसका जो रिजल्ट है आप खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले काफ़ी शत्रु विनाशक टोटके, शत्रु विनाशक मंत्र और शत्रु विनाशक विधियों की जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूँ कि कैसे सेही के कांटे के द्वारा आप अपने दुश्मन अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं, कैसे आप जो भी आपके ऊपर कोई तंत्र की विद्या अगर आपके दुश्मन आपके शत्रु ने लगाई है उसकी काट आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं अपने दुश्मनों से किसी भी रक्षा सूत्र धागा तावीज जंत्र के द्वारा या सामग्री के द्वारा, तो ऐसी जानकारियां अक्सर मैं आपको देता रहता हूं। लेकिन आज यह जो टोटका मैं प्रैक्टिकली आपको कर दिखा रहा हूं कि अगर आप अपने दुश्मन से परेशान हैं, आपका दुश्मन आपका शत्रु बलशाली है, अगर आप उसकी शक्ति का अंत करना चाहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं तब आप इस टोटके की विधि को अपनाएं। और ये ऐसा टोटका है जब आप इस विधि को अपनाएंगे तो तुरंत ही आपके दुश्मन की तबाही उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। आपका जो दुश्मन है आपकी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। अगर आपने जिस विधि के अनुसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसी विधि के अनुसार आपने इस टोटके की विधि को अपना लिया तो अपने दुश्मनों से परेशान हर व्यक्ति इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो इस टोटके से जो भी कोई नेगेटिविटी होगी आपके घर में तो वह भी दूर हो जाएगी। जो भी आपके दुश्मन ने आपके ऊपर लगाई हुई है या आपका कोई बंधन किया गया है या आपके शरीर का कोई बंधन किया गया है तो आपके दुश्मन की तबाही शुरू हो जाएगी इस टोटके की विधि को अपनाते ही। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आपने देखो साबुत नींबू लेकर आना है बाजार से, बिल्कुल साबुत नींबू, इसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए इसके लिए, आपको चाहिए ये सफ़ेद नमक की दो चुटकी चाहिए और एक आपको चाहिए कपूर की टिकिया। इसके लिए आपको कपूर की जो ये टिकिया चाहिए, आपने अपने दुश्मन का अपने शत्रु का इसके ऊपर नाम लिखना है। अगर ज्ञात अज्ञात है आप नहीं जानते तब भी उसकी बर्बादी होगी, नाम चाहे आप ना लिखें। अगर नाम जानते हैं तब नाम का जो पहला अक्षर है वह आपने लिखना है। अगर आपके शत्रु एक से ज़्यादा हैं, एक दो तीन चार कितने भी हैं, तो उतने ही अक्षर आपने इनके ऊपर लिख देने हैं, दोनों साइड के ऊपर, इस कपूर की टिकिया के ऊपर पहला अक्षर आपने लिखना है जो भी आपके दुश्मन का नाम है। और ये जो लिखना आपने ब्लैक मार्कर के द्वारा लिखना है। और इसके लिए एक आपको ऐसी
ये कटार चाहिए, कोई चक्कू चाहिए इसको काटने के लिए। तो सबसे पहले देखो जो ये कपूर की टिकिया है, इस कपूर की टिकिया के ऊपर आपने नाम लिखना है, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नाम लिख कर। ऐसे आपने देखो जो भी आपका कोई दुश्मन है, जैसे मैं यहाँ पर मैं अक्षर लिख रहा हूँ, ये अक्षर कोई भी अक्षर जो भी उसका पहला नाम है, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या किसी भाषा में भी लिखें, जो भी भाषा आपको आती है, और दोनों तरफ आप नाम ऐसे लिख सकते हैं इसके ऊपर अपने दुश्मन का ध्यान धरते हुए। और उसके बाद जितने भी देखो चैनल के ऊपर शत्रु विनाशक मंत्र मैंने बहुत दिए हैं, किसी भी शत्रु विनाशक मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर जाप नहीं भी आता तब भी आप इस विधि का प्रयोग करें, लेकिन आपने इसके लिए जो ध्यान धरना है, आदि शक्ति माता शमशान काली का, बाबा शमशान भैरव का और शमशान की माता मसानी मेलडी का, तीनों का ध्यान धरते हुए आपने इस विधि का प्रयोग करना है, जो ये विधि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे आपके दुश्मन आपके शत्रु की तबाही तुरंत शुरू होगी, ऐसा ये रिजल्ट है। और ये जो विधि है आप अपने घर में ही कर सकते हैं, अपने घर में ही आप इस विधि का प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग करने के बाद जो जो सामग्री होगी इसको आपने अपने घर में नहीं रखना, घर से बाहर फेंक देना है तुरंत ही आपने, जो जो विधि है। तो इससे जो भी आपका दुश्मन होगा, जो भी आपका शत्रु होगा, चारों रास्ते बंद हो जाएंगे तुरंत इस टोटके की विधि को अपनाते ही। तो सबसे पहले देखो नाम लिखने के बाद फिर आपने जो जो है ये देखिए नींबू है साबुत, इसको आपने दो भागों में आपने काट लिया ऐसे, इसको दो भागों में आपने काट लेना ऐसे। दो भागों में काट लेने के बाद फिर आपने अपने दुश्मन अपने शत्रु का ध्यान धरते हुए इसके ऊपर आपने नमक डालना है, सफ़ेद नमक आपने डालना है। और उसके बाद इस नींबू को ऐसे आप रगड़ते रहें ऐसे, और अपने दुश्मन का ध्यान धरते रहें, और किसी भी मंत्र का जाप करते रहें, शत्रु विनाशक मंत्र का, या फिर के हे आदि शक्ति माता काली जय, बाबा भैरवनाथ जय, माता मसानी मेलडी, जो भी हमारे रास्ते में हमारे ये जो शत्रु हैं जो हमें बिना वजह से परेशान कर रहे हैं, आप उनका विनाश करें, हम आपकी शरण में आएँ, या तो ऐसी बेनती करते रहें। कम से कम 5 मिनट आपने इस विधि का प्रयोग करना है, या फिर 21 बार किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे ये मंत्र है, काली रक्त को पी गई भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूटती करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरगटक में बास, काली रक्त को पी गई भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूटती करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरगट में वास। जैसे आकाश को बांधूं, पताल को बांधूं, लगे लगाए किसी के शब्द को बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, दुश्मन की चाल को बांधूं, ऐसे काफ़ी मंत्र हैं माता मेलडी के, बाबा भैरव के और माता काली के। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यह जो कपूर की टिकिया है जिसके ऊपर आपने अपने दुश्मन अपने शत्रु का नाम लिखा, इसके ऊपर आपने नींबू के ऊपर इसको ऐसे रख देना है एक टुकड़े के ऊपर। उसके बाद आपको माचिस की जरूरत पड़ेगी, माचिस की जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपने इस कपूर की टिकिया को जला देना है जिसके ऊपर आपने अपने दुश्मन अपने शत्रु का नाम लिखा, जैसे ये विधि का प्रयोग कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से साधक कहते हैं कि गुरुजी प्रयोग कर दिखाएं कि हम कैसे करें, तो इसीलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैंने किसी का ध्यान नहीं धरा, मैंने तो वैसे नाम लिखा है इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कि आप ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ऐसे ये तिल्ली जलाने के बाद जो जो है कपूर का टुकड़ा है इसको आपने जला देना है। अपने दुश्मनों का ध्यान धरें, जो भी आपके जीवन के शत्रु,
और फिर तीन बार इस मंत्र का फिर से जाप करें कि काली रक्त को भी गई भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूटती, करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरगट में वास, ऐसे इसको जला दें। उसके बाद ये जो दूसरा टुकड़ा है इसके ऊपर आपने इसको भी ऐसे देखो रख देना है जलते जलते नींबू के ऊपर। जब ये अग्नि बढ़ जाए उसके बाद इसको घर से ऐसे बाहर फेंक देना है तुरंत। जब ये दूसरा टुकड़ा इसके ऊपर आप रख देंगे तो अग्नि ये बंद हो जाएगी, तो इससे आपका जो दुश्मन है पूर्ण रूप से बंधन में आ जाएगा। जब आप इसका प्रयोग करेंगे, बंधन कौन करेगा? आदि शक्ति माता काली, बाबा भैरवनाथ, माता मसानी मेल्डी, ऐसा जे शत्रु विनाशक जे प्रयोग है एक नींबू का। इसके लिए देखो नमक, कपूर की टिकिया और एक नींबू ही आपको चाहिए, ऐसा जे प्रयोग है। और उसके बाद जैसे अग्नि जे शांत हो जाए तो तुरंत इसको घर से बाहर दहलीज के बाहर आपने फेंकना है तुरंत ही। और ये जो प्रयोग है किसी भी शनिवार वाले दिन, किसी भी शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, अमावस की काली रात को इसका प्रयोग कर सकते हैं, चौदस वाले दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ग्रहण वाले दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तुरंत आपको रिजल्ट देगा। आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु की बर्बादी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इसका प्रयोग करने के बाद। तो यह था शत्रु विनाश चोट का, जो तुरंत आपको रिजल्ट देगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे अपने दुश्मन की तबाही। तो अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं तब इसका आप प्रयोग कर देखें तो आपको ये तुरंत रिजल्ट देगा। ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।